यो 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 मेरे भाइयों, कैसा आप लोग। मैं हूँ आपका पहाड़ी छोड़ थोड़ा थोड़ा छोड़, और आप देख लीजिए मेरे चैनल क्या। तो भैया जी, पिछली बार जहाँ हम गए थे वो ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नए स्विमिंग पूल में, जो कि पड़ता है प्रेम नगर वाले एरिया में, और उसका नाम है जी कंसवाल फार्म स्विमिंग पूल एंड डून कैफे। तो कैसा दिखता है कि आपको मैं दिखाता हूँ। भैया ऐसा दिखता है हमारा स्विमिंग पूल, और इसमें ना पानी एकदम मस्त हॉट है, तो सबसे बढ़िया बात यही है। और अभी शाम के 4 बज रहे हैं और हम थोड़ा लेट हो गए, क्योंकि ढूंढने में ना बहुत मतलब लेट हो गया। और यहाँ पे बैठने का यहाँ पे देख सकते हो आप, और वहाँ पे एक फव्वारा टाइप का जो अभी चल नहीं रहा है, फाउंटेन जैसे बोलते हैं, और उधर भी बैठने का है। और अभी इधर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और ये भी एक छोटा स्विमिंग पूल था शायद, अभी ये बंद है लेकिन ये वाला चालू है। और इधर भी खाना पीना मिल जाता है आपको। तो यहाँ के मैं आपको चार्जेस बताता हूँ, यहाँ पे चार्जेस है 150 रुपये पर पर्सन, और शॉर्ट्स का है 30 रुपीज़ पर पर्सन अगर आपको चाहिए होगा। तो आप फटाफट से कपड़े चेंज करते हैं, कूदते हैं पानी में। तो भैया स्विमिंग पूल में ओनली 2 बंदे हैं, वो भी हम दो। मतलब हर जगह हमारे साथ ऐसे होता है, या तो हम मतलब ऐसी जगह पहुंचते हैं कि जहाँ लोग ज़्यादा नहीं आते, या फिर हम सबसे पहले आते हैं, जो कि आज हम 4:30 बजे यहाँ पे आए, लेकिन आज बारिश थी ना, तो इस पर भी लोग हैं नहीं। और आप देख सकते हो हम दो ही हैं। तो भैया हम नहा चुके हैं बढ़िया करके, और यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये देखो यहाँ पे कितने सारे पक्षी, उन्हें देखो घोंसले लगाए हैं भाई, इतने सारे पक्षी हैं ना। तो अब फटाफट से मैं चेंज करता हूँ, और टाइम भी 5:45 हो गया, चेंज करके फिर मिलता हूँ आपसे। भैया कपड़े मैंने चेंज कर दिए हैं बढ़िया करके, और जो व्यू आ रहा है ना अभी शाम का, मतलब बहुत ही भयंकर आ रहा है। और टाइम हो गया है 5:51, और व्यू बहुत प्यारा आ रहा है यार। ये देखो भैया यहाँ पे सनसेट हो रहा है, और यहाँ पे स्विमिंग पूल, और इधर देखो पूरा पहाड़ दिख रहा है, और आसमान भी अभी ठीक है। जो हमारा प्लान था ना वो था कि आज सुबह आएंगे हम 10-11 के बजे के अराउंड, लेकिन फिर देहरादून में इतनी भयंकर बारिश हुई, मतलब 11:30 बजे से 2-2:30 बजे तक बारिश थी। फिर हमने सोचा कि चलो ऐसे एक राउंड मार के आते हैं, फिर हमने ऐसे ही बोला कि यार एक ये सर्च मारा था जगह देख के आते हैं। अब जैसे हम जगह देखने आए तो हमें पहले मिला नहीं, क्योंकि कोई बोल रहा इधर है, कोई बोल रहा उधर है, भाई मतलब 1.5 घंटा जब हमने वेस्ट किया, 4 बज गया हमारा। तो अब मैंने बोला अब जहाँ भी है भैया वहाँ जाएंगे, और फिर हम यहाँ आई गए फाइनली कंसवाल फार्म में। बहुत अंदर है यार, मतलब अगर आप आओगे तो भैया गूगल मैप ने जो रास्ता डाला है वो पूरा गलत है रास्ता, तो पूछ के आना। और बस यहाँ पे आओगे तो पानी भी ठीक है, रेट भी ठीक ही है। और अभी खाने का देखते हैं, हम यहाँ खाते हैं बाहर खाते हैं। तो पंकज भैया भी अभी चेंज कर रहे हैं, फिर चलते हैं, या खाएंगे या सीधे घर को निकलेंगे। तो भैया ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, नहीं है तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी मज़ेदार वीडियो मैं देहरादून से आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ।